Amigas, in my previous video, I explained you lesson 2, celebrating Bihu. Okay, now I am taking the question answers of this lesson. आपने मुझे आई होप आपने सबने बहुत अच्छे से लेसन को रीड किया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसमें हमें आसाम के जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है उसके बारे में बताया गया है. ठीक है, कैसे अपनी जो राइटर वो गई थी और उन्होंने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया था. Now come to the question answer. Let's start. Question number 1. Before visiting Assam, what did the speaker learn about the state from Aunt Ratna? Assam जाने से पहले हमारे जो स्पीकर हैं उन्होंने असम राज्य के बारे में आंटी रत्ना से क्या क्या सुना हुआ था, क्या क्या उनको पता था. स्पीकर को सिर्फ उसको अभी यही पता था कि असम इज वेरी ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया एंड रिच इन एग्रीकल्चर. तो उनको क्या पता था कि असम इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया एंड ऑल्सो रिच इन एग्रीकल्चर. बहुत अच्छी वहाँ पे खेती कृषि उत्पादन होता है और बहुत सुंदर राज्य है हमारे पूरे भारतवर्ष में. क्वेश्चन नंबर 2. When is Rongali Bihu celebrated? What is special about this name? Rongali Bihu कब बनाते हैं and what is special about this name? और इस नाम में क्या खासियत है? When Rongali Bihu is celebrated in the middle of the April every year. अप्रैल में मनाया जाता है. और why is it called Rongali? Because it brings happiness to the people. लोग बहुत खुश होते हैं, अच्छी फसल होती है तो इनकम भी अच्छी होती है, तो बहुत हैप्पीली वो लोग सेलिब्रेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू फार्मर्स टेक केयर ऑफ देयर कैटल ड्यूरिंग बिहू? हाउ डू फार्मर्स टेक केयर ऑफ कैटल ड्यूरिंग बिहू? यू में वहाँ के फार्मर्स जो होते हैं वो ऐसा आसानी जो कृषि अपने फार्मर्स होते हैं वो कैसे अपने कैटल्स की देखभाल करते हैं, क्या करते हैं इस फेस्टिवल में? दे डेकोरेट देयर कैटल्स विद मां हल्दी, मतलब हल्दी के पेस्ट और ब्लैक ग्राम जो चना होता है उसके पेस्ट से पेस्ट बनाते हैं और उससे पूरे कैटल्स को सजा उसको पहले नहाते हैं अच्छे से, उनको तैयार करते हैं और बहुत सुंदर मालाएं गारमेंट्स उनको पहनाते हैं और उनको डेकोरेट करते हैं. आया समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हाउ इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड among families? लोग बाग आपस में कैसे ये त्योहार मनाते हैं? How is the festival celebrated among families? कैसे मनाते हैं? They greet each other, they welcome all the relatives, go to their relatives' house, they serve the traditional sweet और एक cotton towel जिसको गामुसास बोलते हैं वो उनको gift में देते हैं. They respect other people and welcome their guests. Okay? Now question number 5. How has the speaker described the Bihu dance? Speaker ने Bihu dance के बारे में क्या बताया कि Bihu dance कैसे करते हैं? Bihu dance is a traditional dance of Assam. और इसको ताल इसको बजा इसके साथ जो है instrument है पेपा ढोल गोगोना और चोका, इन instrument के साथ बहुत beats के साथ girls ये dance करती हैं, women's dance करती हैं और सब लोग क्लैप करके एंजॉय करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ आर द टू अदर बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? जो दो और बिहू फेस्टिवल्स हैं, तीन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हैं, एक तो हो गया रोंगाली बिहू और दूसरे दो कौन कौन से हैं? पहला है कोंगाली बिहू और ये कब कंप्लीट होता है, कब सेलिब्रेट करते हैं? जब सोइंग बीज पूरे बो दिए जाते हैं, सोइंग की जो कंप्लीट कर लेते हैं फार्मर्स तब मनाया जाता है. और भोगाली बिहू कब सेलिब्रेट करते हैं? जब फसल की पूरी कटाई हो जाती है, फसल पक्के तैयार हो जाती है. ओके, तो दूसरे दो बिहू कौन कौन से हुए? भोगाली बिहू एंड भोगाली बिहू. नाउ कम टू द एक्सरसाइजेस ऑफ द बुक. बी, मार्क दी सेंटेंसेस एज ट्रू और नॉट ट्रू. आपको बताना है कि जो वाक्य दिया गया है वो सही है कि गलत है, जैसे ट्रू फॉल्स होता है इन द सेम वे इट इज ट्रू एंड नॉट ट्रू. फर्स्ट, बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. बिहू क्या पूरी दुनिया में मनाया जाता है? नॉट ट्रू,
गलत सेंटेंस है। बिहू केवल असम में मनाया जाता है, ये वहीं का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। सेकेंड, रोंगाली बिहू इज एसोशिएटेड विद सैडनेस। रोंगाली बिहू लोगों में खुशी दुख लेके आता है, मतलब वहाँ के लोग खुशियाँ नहीं मनाते हैं रोंगाली बिहू में। गलत, रोंगाली बिहू में वहाँ के लोग बहुत हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं इसको सेलिब्रेट करने में। तो ये सेंटेंस भी नॉट ट्रू। पीपुल पे देयर रेस्पेक्ट टू एल्डर्स बाय गिविंग दैम गामोसास। वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे को इस फेस्टिवल पे बड़े लोगों को एक टॉवल, कॉटन का टॉवल जिसको हम गामोसास बोलते हैं, वो गिफ्ट करते हैं। ट्रू, सही है ये सेंटेंस। फोर्थ नंबर, पेपा एंड गोगोना आर ट्रेडिशनल स्वीट्स प्रिपेयर ड्यूरिंग बिहू। पेपा और गोगोना ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं क्या जो बिहू में के दौरान बनाई जाती है, असम के लोग बनाते हैं? नहीं, ये तो डांसेस हैं के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं पेपा और गोगोना, ये तो स्वीट्स के नाम है ही नहीं। तो ये नॉट ट्रू, नॉट ट्रू सेंटेंस है, गलत सेंटेंस। फिफ्थ वन, बिहू गीत आर फोक स्टोरीज एसोशिएटेड विद बिहू। बिहू गीत क्या स्टोरीज होती हैं जो कि बिहू से, बिहू फेस्टिवल के दौरान बोली जाती हैं? नहीं, बिहू गीत तो बिहू डांसेस के जो बिहू गीत होते हैं वो बिहू डांसेस में आते हैं, ना कि स्टोरीज में आते हैं। ये सेंटेंस गलत है, नॉट ट्रू। ठीक है, ये आपको मैंने सारे ट्रू और नॉट ट्रू सेंटेंस समझा दिए। नाउ कम विद द एक्सरसाइज नंबर ए, ग्रामर की एक्सरसाइज। लिटिल, सम और एनी लगाना है यहाँ पे। देखिए, आपको ये बता देती हूँ मैं कि बहुत कम के लिए कोई लिक्विड थिंग होती है वहाँ पे लिटिल आता है, बहुत सारी कोई चीज़ों के लिए कोई ज़्यादा चीज़ हो वहाँ पे लॉट, मतलब ज़्यादा हो वहाँ पे ए लॉट ऑफ आता है, और जो चीज़ काउंट कर सकते हैं वहाँ पे मैनी आता है, और जहाँ जहाँ नॉट लगता है वहाँ पे हमेशा नॉट मच आता है, मतलब ज़्यादा नहीं, अनकाउंटेबल नाउंस के साथ आता है। ओके, पहला सेंटेंस बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। देखिए, पहला सेंटेंस तो एग्जांपल दिया हुआ है, समझाया हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। लेट्स वेट फॉर डैश टाइम, रवि इज लेट बट ही श्योर टू कम। चलिए थोड़ा, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय की बात की गई है यहाँ पे समय की। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, रवि इज लेट बट ही श्योर टू कम। चलो थोड़ा रवि का इंतजार कर लेंगे, क्योंकि वो आएगा तो जरूर, लेट हो गया है लेकिन वो इज श्योर टू कम, वो ज़रूर आएगा। किरण कैन नॉट हेल्प मी विथ माई वर्क, शी डज नॉट हैव एनी टाइम। किरण मेरे काम में मदद नहीं कर सकती है, बिकॉज शी डज नॉट हैव एनी टाइम, उसके पास समय नहीं है। यहाँ पे टाइम काउंट नहीं हो सकता और नॉट भी है, इसीलिए एनी आया है। मे आई हैव डैश वाटर प्लीज, मे आई हैव सम वाटर प्लीज, लिक्विड थिंग के साथ सम आता है। मे आई हैव सम वाटर प्लीज, क्या मुझे आप थोड़ा पानी दे सकते हैं। फोर्थ वन, इट रेन्ड ए लिटिल लास्ट नाइट, पिछली रात को थोड़ी सी बारिश हुई, बहुत कम बारिश हुई, इसलिए हमने ए लिटिल लिया। इसको हम काउंट नहीं कर सकते जैसे लिक्विड थिंग है, बट हम इसको काउंट नहीं कर सकते बारिश को, इसलिए यहाँ पे ए लिटिल आया। इट रेन्ड ए लिटिल लास्ट नाइट, देयर इज डैश मिल्क इन द फ्रिज, फ्रिज में कुछ थोड़ा मिल्क रखा है। यहाँ पे भी लिक्विड है मिल्क, काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए सम आया। जो चीज़ अनकाउंटेबल होती है वहाँ पे सम ही आता है। There is not any rice on your plate. Why don't you eat some rice? देखिए, अब यहाँ पे भी not के साथ हमेशा any आता है। There is not any rice on your plate. आपके पास तो बिल्कुल भी चावल नहीं है। Why don't you eat some rice? आप कुछ चावल क्यों नहीं खाते हैं? तो why don't you eat some rice? अब आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग countable things जो होती हैं उनके साथ हम लोग जैसे जो चीज़ हम count कर सकते हैं many और few आता है, पर जो काउंट नहीं कर सकते उनके साथ मच, ठीक है, और लिटिल बहुत कम के लिए, बहुत कम के लिए आता है। सम लिक्विड थिंग्स के लिए आता है जो कि काउंट नहीं हो सकती, और एनी तो नॉट के साथ ही चलता है, एनी हमेशा नेगेटिव वर्ड के साथ चलता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, आई मैट, यहाँ पे भी अपन को सिलेक्ट करना करेक्ट वर्ड और उसके आगे आपको करेक्ट वर्ड के वो लिखना है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स। आई फर्स्ट, आई मेट हर डैश इयर्स एगो, शी हैड लॉन्ग हेयर देन। मैं उसे बहुत पहले मिला था, काउंट कर सकते हैं हम इयर्स, इसलिए मैं नहीं आया। अनकाउंटेबल के लिए मच आता है, ध्यान रखिए, जो गिन सकते हैं वहाँ मैनी, जो नहीं गिन सकते वहाँ मच आता है। तो इयर्स काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं आया। शी हैड लॉन्ग हेयर देन,
उसके बाद उसके उस समय उसके बाल बहुत बड़े थे. सेकेंड, हरी अप, वी डोंट हैव डैश टाइम, वी विल बी लेट फॉर द ट्रेन. वी डोंट हैव डैश टाइम, मच आएगा कि फ्यू, फ्यू के लिए थोड़े के लिए आता है, मच आएगा ज़्यादा के लिए. वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है. वी विल बी लेट फॉर ट्रेन, हमें हम ट्रेन के लिए लेट हो रहे हैं. तो मच बेटा यहाँ पे क्या आएगा, मच. क्या आएगा बेटा, मच. फ्यू कम के लिए आता है. हरी अप, वी डोंट हैव मच टाइम, वी विल बी लेट फॉर द ट्रेन. डैश स्टूडेंट्स वो वेटिंग इन द क्लासरूम, मच की फ्यू, फ्यू आएगा. कुछ स्टूडेंट्स हमारे क्लासरूम में इंतजार कर रहे थे, तो बहुत कम के लिए फ्यू आता है, ए फ्यू. मच ज़्यादा के लिए आता है. देयर आर डैश बुक्स इन दिस लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं. काउंट कर सकते हैं किताबें, इसलिए मैं नहीं आया. देयर आर मैनी बुक्स इन दिस लाइब्रेरी. प्रिया वॉज हेयर ओनली फॉर अ डैश मिनट्स, शी वॉज इन अ हरी. प्रिया यहाँ पे कुछ समय में ही, फ्यू मिनट्स, प्रिया यहाँ पे बहुत कम समय के लिए रुकी थी. शी वॉज इन हरी, उसको बहुत जल्दी थी जाने की. तो प्रिया वॉज हेयर ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैनी ज़्यादा के लिए आता है. बहुत कम समय के लिए रुकी प्रिया, इसलिए फ्यू आया, बहुत कम के लिए समय, टाइम के लिए फ्यू. आई ड्रैंक अ लॉट ऑफ जूस यस्टरडे, आई ड्रैंक, मैंने बहुत कल बहुत सारा जूस पिया. ए फ्यू बहुत कम के लिए आता है, बहुत ज़्यादा के लिए लॉट ऑफ. तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसमें करेक्ट वर्ड जो था वो फिल कर दिया. आपको नो नीड टू राइट दिस एक्सरसाइजेस फ्रॉम द वीडियो, आपको वीडियो से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई विल सेंड यू PDF, आप एंड यू नोट इट प्रॉपरली फ्रॉम दैट, उसमें से आपको नोट डाउन करना है. और कोशिश करिएगी कि आप खुद ही बिना हेल्प लिए खुद सेंटेंस करेक्ट फिल करें, फिर चेक करें कि आपने सही भरा कि नहीं भरा. ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे. तब तक टेक केयर, टिल देन बाय बाय.